छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग द्वारा राजीव भवन रायपुर में संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने भारतीय संविधान के इतिहास व महत्व पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया और आगामी आयोजनों की रूपरेखा तैयार की गई। संगोष्ठी में प्रदेश विधि विभाग के पूरे छत्तीसगढ़ से आए पदाधिकारी व सदस्य भी शामिल हुए। आयोजन की जानकारी कांग्रेस विधि विभाग के भिलाई जिला अध्यक्ष अजहर अली ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के द्वारा राजीव भवन कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया, जहां गरिमामय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ विधि विभाग के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय सभी कार्यकर्तागण शामिल होकर अधिवक्ता बंधुओं ने शपथ ली कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए और उन सब में समता दिलाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और बंधुत्व बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की दिलाने के लिए हम सब संकल्पित होकर शपथ लिए और कार्यक्रम को सफल बनाए और सभी ने मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान की यादें अपनी अपनी विचार व्यक्त किए। सभी लोगों ने बड़े ही अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए हर्षोल्लास और खुशियां मनाई और संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए बात कही और मांग की शासन से कि शासन इस दिन भी छुट्टी घोषित करे ताकि संविधान दिवस को पूरे देश में अच्छे से मनाया जा सके और संविधान जो हमें बताता है कि हमारा देश कैसा चलेगा, हमारा देश में कानून कैसा होगा और कौन क्या करेगा, किसकी नियुक्ति कैसे होगी और संविधान हमें हक देता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, शासन के साथ अपनी बात मनवाने का, तो हम संविधान हमें कैसे बना, 26 नवंबर को कैसे लागू हुआ और संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, इसके संविधान दिवस के रूप में 2015 में अनुमति दी गई और अभी संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस संविधान के कारण ये हम जो अधिकार हमें मिले हैं, जिसका हम लाभ उठाते आ रहे हैं और जो संविधान में हमें जिम्मेदारी मिली है, कर्तव्य है, जिसका पालन करते हुए हम देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व को बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं और हम बड़े ही हर्षोल्लासित हैं और हम संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभी और सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं और हम गौरवशाली हैं कि उस समिति में छत्तीसगढ़ से भी सदस्य रहे हैं और छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किए हैं। हम सभी को संविधान दिवस की बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।